नमस्कार साथियों, एक बार फिर आ गया हूँ मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आया हूँ। तो बैंक चार्जेस आजकल हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। अगर खाते बहुत बड़े होते हैं तो हम लोग छोटे मोटे चार्जेस भूल जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, अकाउंटेंट से कभी जरूर पूछेगा कि साल का बैंक चार्जेस कितना लगा, आपके होश उड़ जाने वाले हैं। अगर आप बड़े बैंक अकाउंट होल्ड करते हैं, इसका मतलब ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा है, तो इसको मॉनिटर करना काफी जरूरी है, क्योंकि पैसे कई सारे ऐसे लग जाते हैं जो हो सकता है लगने की जरूरत ना हो। कहीं पे बैंक के एम्प्लॉयज ने कुछ गलती कर डाली, उसने किस अकाउंट का मोड कुछ और कर दिया और हमारे चार्जेस लगते चले जा रहे हैं, हम कभी ध्यान ही नहीं दिए। क्यों? क्योंकि बैंक ने हमको अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, बैंक का बंदा हमारे पास आ जाता है, बहुत अच्छे से बात करता है। अब क्या बोलें, बुरा लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, व्यापार करते समय सिर्फ व्यापार की बात करेंगे, अब हम चर्चा ये करने वाले कि बैंक चार्जेस को रिवर्स कैसे कराएं या उसके बारे में अवेयर कैसे रहें। तो बैंक चार्जेस के बारे में जानने से पहले हमको हमेशा अपने सारे बैंक से रिलेटेड जो स्कीम होता है ना, वो हमको मंगवाने की जरूरत है। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप आपको बता रहा हूं कि आपका बैंक अकाउंट किस टाइप का है, उसमें ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है, उसके चार्जेस लिमिट क्या है, ये बैंक से रिटर्न में जरूर मंगवा लीजिए। और बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है ये जरूर दिखवा लीजिए। इसके बाद हम लोग कोई क्लेम कर पाएंगे कि चार्जेस सही है गलत है कि क्या है। तो सबसे पहले हमको चार्जेस, जैसे ही दिखते हैं कि चार्जेस कट गए, तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। कुछ दिन पहले एक एक्स बैंक है जिसमें मेरी सेविंग अकाउंट है, उसमें एक लिमिट उसने कहा कि 25,000 से नीचे आ गई है करके उसने मेरे 1,200 रुपए बैंक चार्जेस काट दिए। 25,000 के नीचे आने पर मेरा सेविंग अकाउंट है, उसमें अपने 1,200 रुपए चार्जेस काट दिए। 1,200 रुपए क्या होता है, लगभग 5% आपने काट दिया सिर्फ बैलेंस नहीं मेंटेन करने के कारण। इसका मतलब अगर साल भर का देखेंगे तो आप 60% मेरा तो बैलेंस ही उड़ा देंगे। दोस्तों, लोन के ऊपर भी जो इंटरेस्ट होता है ना, वो भी लिमिटेड होता है, 10%, 11%, 12% से ज्यादा नहीं है। इतना ज्यादा हार्डशिप है आपके साथ, फाइनेंशियल हार्डशिप आपके साथ हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बैंक अकाउंट टाइप और उस पर चार्जेस और उसके बारे में रूल्स आपके बैंक से रिलेटेड जरूर प्रिंट मंगवाइए, अपने स्टाफ को भेजकर या खुद जाकर लीजिए, ताकि सबसे पहले यह पता चले कि चार्ज लगा क्यों। और कहीं पर आपको लगता है कि खाता खोलते समय ठीक से बताया नहीं गया, तो आप बैंक व मैनेजर के पास जाकर बैठिए। मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया कि आप देखिए कि आपका बैंक अकाउंट किस टाइप का है, चार्जेस लगने के बाद जरूर अवेयर होने के लिए देखिए। दूसरा चीज, आप बैंक वाले से जाकर बात करिए कि बॉस, ये चार्जेस के बारे में हमको पता नहीं था, और ये चार्जेस के बारे में जब खाता खोलने आप आए थे या फिर आपका बंदा आया था तो उसने हमको प्रॉपरली बताया नहीं था। तो बैंक वाले का रेस्पॉन्स हमको देखने की जरूरत है। तीसरा चीज कि हमारे खाते का जो टाइप है उसको तुरंत चेंज कराइए, अगर आपको पता चल जाता है कि इस कारण से मैनेजर क्या कह रहा है। तो देखो, जब बैंक वाला मैनेजर जब खाता खोलने आता है ना, तो वो पूरा आपके फेवर में बात करता है कि अब खाता खोलना है, अभी तुरंत करना है, मैं पूरी जान दे दूंगा आपके लिए, सब कर दूंगा। लेकिन जैसी चार्जेस लगती है ना, तो वो थर्ड पार्टी बन जाता है। वो क्या बोलता है, सर ये तो ऊपर का रूल है, सॉफ्टवेयर का रूल है। बॉस, सॉफ्टवेयर का रूल है, बट आप मैनेजर हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली देनी भी चाहिए थी, राइट। चौथा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको कंप्लेंट रजिस्टर्ड करना चाहिए और उनसे रिसीविंग भी लेना चाहिए अगर वो कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, राइट। पांचवा चीज, अगर वो कोई एश्योरेंस दे रहे हैं तो एश्योरेंस को भी रिटर्न में ले लें कि कितने दिन में हमारा वो वाला चार्जेस रिवर्स हो जाएगा और कितना रिवर्स हो जाएगा। छठवा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है जो कि अथॉरिटी होल्डर होता है ऐसे मैटर्स को निपटाने के लिए। आप ये बताइए कि क्यों आपके साथ और कैसे फाइनेंशियल हार्डशिप हो रही है। आप जैसे ये सारी चीजें बताएंगे तो वो पूरा केस सुनेगा, समझेंगे, और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे, और 99% चांस है कि आपके फेवर में आ जाए। तो रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। तो बैंक चार्जेस हमारा बहुत बड़ा अमाउंट, जो कि हमारे जानकारी कम होने के कारण और बैंक वाले लोगों की गलतियों के कारण भी हो सकता है, वो चेक कराने के बाद बैंक वाले अपनी गलती मानेंगे कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमको अपने पॉइंट पे रहना है अगर हमको लगता है कि फाइनेंशियल हार्डशिप है तो। तो दोस्तों, बैंक चार्जेस आपका बहुत बड़ा खर्चा बचाता है, आप उससे बिजनेस का डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज को ज़्यादा सैलरी दे सकते हैं, अच्छे एम्प्लॉयज को रिटेन कर सकते हैं।
हमारा जितना लीकेज होगा ना रेवेन्यू का, हम व्यापार में उतना पीछे चले जाते जाएंगे। हमको कोई भी चैरिटी करना है तो हमारे लिए हमारे एम्प्लॉई और बाकी सारे लोग बैठे हुए, बैंक को फ्री में चैरिटी मत करिए, 4-4, 5-5% का चार्जेस काट देते हैं महीने का, खतरनाक है ये लोग। तो जरूर ध्यान रखिए, ये बैंकिंग चार्जेस नहीं लगने चाहिए। और दूसरा मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपना पावर जरूर यूज करिए, आप कस्टमर हैं, आप अगर वहां से चले जाते हैं ना तो ये जो फ्री के चार्जेस हैं उनको मिलने नहीं वाले हैं। आप भी, मुझे पता है, आप फेयर चार्जेस देने में आप कभी पीछे नहीं हटते। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है आप सबका हेल्प करना, हमेशा तैयार हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, जितना आप कमेंट करेंगे उतना मैं प्रोत्साहित हो जाऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका गिफ्ट है।